हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। दिस इज़ वेद, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है बच्चों? आई होप आप लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर होगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, एम आई ऑडिबल टू यू? क्या हाल चाल है? हेलो एवरीवन, एक सेकंड। गुड आफ्टरनून अभिनंदन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर। तो अपना जल्दी जल्दी से आप लोग एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। हाय हर्षिल, आई एम गुड, आई एम ग्रेट, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। हेलो राम, प्राची, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो बच्चों, शेयर कर दो लिंक को फटाफट अपने फ्रेंड्स को, इन्फॉर्म कर दीजिए, जल्दी से इन्फॉर्म कर दो अपने फ्रेंड्स को, फिर शुरू करते हैं। अमूल्य रिमेनिंग बेटा वही है कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, धीरे धीरे करके डेली दो से दो दो तीन तीन लेक्चर करके आपको निपटाना पड़ेगा बेटा। नमस्ते नमस्ते एवरीवन, नमस्ते, गुड आफ्टरनून अदे, गुड आफ्टरनून। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर कर देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं, जल्दी से लिंक शेयर कर दो फटाक से गाइज। फर्स्ट थिंग, जो स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है वो 27 से 30 सितंबर तक के लिए वैलिड है। तो आज 28 तारीख है, तो 29 30, तो आज 28 है, उसके बाद 29 है, तीन तीन दिन बचे हुए हैं इस ऑफर के। इसमें आपको 10+10% का ऑफ मिल रहा है। तो जो भी बच्चे वन ईयर या फिर टू ईयर का प्लान कर रहे हैं वो देख सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो या फिर आप प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आप ले सकते हो। आप रेफरल कोड में वेद यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप कोड यूज़ कर सकते हो वेद, ओके, टू गेट 10+10% ऑफ ईयर। क्योंकि यहाँ पे अभी अगर आप आज कल और परसों में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10+10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे बच्चों, ये सामर्थ बैच है 2.0 नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए है। ये आपका 27 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें इनरोल करा सकते हैं, कोड वेद यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों, सुपर अचीवर्स बैच है, ये आपका 29th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहा है बैच, सुपर अचीवर्स बैच। ये सारे फैकल्टीज जो इसको डील करने वाले हैं, सेम कोड इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें 10+10% का आपको ऑफ मिल जाएगा, ओके जी। चलिए आगे चलते हैं। उसके अलावा बच्चों, जिन्होंने भी अगर अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके अंदर प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, बेस्ट एडुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, से सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो बिल्कुल मैं आपको एंड में दूंगा। तो गाइज, आज के लेक्चर में हम वर्क एनर्जी पावर के एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं और जो मेन मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करेंगे। सेंटर ऑफ मास आपका परसों से स्टार्ट हो जाएगा नीट स्टार चैनल पे, ठीक है, नीट स्टार चैनल पे दोपहर में 3 बजे, ठीक है, दोपहर में 3 बजे आपका नीट स्टार चैनल पे सेंटर ऑफ मास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका लिंक विंक मैं आपको लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आज हम नया बैच लॉन्च करेंगे, 4 बजे सेशन होगा, ठीक है, जिसके अंदर प्रॉपरली हम नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, संभव बैच। उसके अंदर जो पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं, सेंटर ऑफ मास करूंगा, और इसकी जो टाइमिंग रहेंगी दोपहर में 3 बजे रहेंगे, ठीक है, क्लियर है। चले शुरू करें फिर एवरीवन। ओके बेटा, यहाँ हो चाहे वहाँ हो क्या फर्क पड़ता है अभिनंदन, यहाँ टाइम का इशू होता है, यहाँ पे टाइम का इशू है, वहाँ पे 3 बजे अपना टाइम स्लॉट रहेगा। आप लोग स्कूल से आके भी सेशन अटेंड कर सकते हो। तो गाइज, मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन कर लो। तो गाइज, वर्क एनर्जी चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि पहली बात तो ये वर्क एनर्जी चैप्टर आपने पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मेन मेन पॉइंट्स को हमें हाईलाइट करना है। जैसे देखो, इसके अंदर बेसिकली तीन टर्म्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक वर्क एनर्जी एंड पावर, ओके, दीज आर द फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज। गाइज, ए फार्मर, जैसे अब खेत वगैरह अगर कोई जोत रहा है, ठीक है, खेत वगैरह होता है ना, जैसे जब भी अगर कोई नई फसल को उगाया जाता है, या फिर आप मान लो ब्रिक्स वगैरह को लेके जा रहे हो, या फिर स्टूडेंट स्टडिंग फॉर ए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, एन आर्टिस्ट पेंटिंग ए ब्यूटिफुल लैंडस्केप, ऑल आर सेड टू बी वर्किंग। मतलब तो अब रियल लाइफ में इन सारी चीज़ों को हम वर्किंग बोल देते हैं, बट फिजिक्स में बेटा, अगर आप फिजिक्स में जाओगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई अगर
किसी की कैपेसिटी है 14 से 16 घंटे, 14 16 घंटे, ठीक है, क्या है, डे इज सेट टू हैव ए लार्ज स्टैमिना, मतलब दिन भर काम कर रहा है, 12 घंटे 16 घंटे काम कर रहा है, तुम बोलते हैं भाई उसकी स्टैमिना ज्यादा है। सो वी एडमायर ए लॉन्ग डिस्टेंस रनर फॉर स्टैमिना और एनर्जी। जैसे मान लो कोई अगर 4 4 किलोमीटर मॉर्निंग में भाग रहा है या फिर 10 10 किलोमीटर भाग रहा है, तो हम बोलते हैं भाई इसका स्टैमिना बहुत ज्यादा है। एंड गाइज एनर्जी दस आवर कैपेसिटी टू डू वर्क, तो हम देखते हैं कि किसी की कितनी कैपेसिटी है काम करने की। बोलते हैं ना कि यार इसका ये 10 किलोमीटर भाग लेता है, ये सिर्फ 1 किलोमीटर भागता है, तो इसके पास ज्यादा एनर्जी है, इसकी कैपेसिटी काम करने की ज्यादा है, तो इसके पास ज्यादा एनर्जी है। तो जनरली हम यही बोलते हैं, बट फिजिक्स में इन सब चीजों का जो मतलब है वो अलग होता है, ठीक है। अब जैसे फिजिक्स का वर्क की डेफिनेशन अलग है, फिजिक्स में एनर्जी की डेफिनेशन अलग है, पावर की डेफिनेशन अलग है। जैसे आप ये देखो, यहाँ पे देखो, द वर्ड पावर इज यूज इन एवरी डे लाइफ विद डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग। इन कराटे और बॉक्सिंग वी टॉक ऑफ पावरफुल पंचेस, जैसे बॉक्सिंग वगैरह हो गया, कराटे वगैरह, वहां पे जो पंचेस लगते हैं बोलते हैं ना पावरफुल है, बहुत ज्यादा तेजी से मारा है इसने, ठीक है। सो दीज आर डिलीवर्ड एट ए ग्रेट ग्रेट स्पीड, दिस शेड ऑफ मीनिंग इज क्लोज टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड पावर यूज इन फिजिक्स। तो गाइज पहला जो पेज है इंट्रोडक्शन में, खैर थोड़ी बहुत बातें बताई गई हैं कि आपको वर्क वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है, डेली लाइफ में आप कैसे आप जज करते हो कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, किसका स्टैमिना ज्यादा है किसका स्टैमिना नहीं है, या फिर डेली लाइफ में जो पावर वर्ड है उसको आप कैसे यूज करते हो। जैसे किसी को आपने खिंचा के मुक्का मारा है तो आप बोलते हो ना कि भाई बहुत तेज मारा, बहुत पावरफुल था तेरा पंच। तो ये सारी चीजें आपको यहां बताई गई है, तो इसमें से कुछ भी आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट आपने वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है, तो यहां पर मैं बताता हूं किन किन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। आप देखो, आपको पता है कि ए डॉट बी आपका क्या है, ए बी कॉस थीटा होता है, यस नो, इसको रीड कैसे करते हैं, ए डॉट बी बोलते हैं, ओके। और आप यहां पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ए और बी आपके क्या है, ये आपके मैग्नीट्यूड हैं और ये आपके वेक्टर हैं। तो एनसीईआरटी में बेटा जितने भी ऐसे डार्क डार्क लिखे हैं, देखो ये दिख रहा है ऐसे डार्क बोल्ड लेटर्स में आपको जो ए बी दिख रहे हैं सब वेक्टर है। उसने पहले बताया कि जितने भी बोल्ड लेटर में सारे के सारे वेक्टर हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एरो नहीं यूज किया, ऐसे तो परेशान मत हो जाना, इन्होंने एरो यूज नहीं किया। लेकिन आपको पता है कि दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल होता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दिए, देखो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है। तो इसको हाईलाइट कर लेना है यहाँ पे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है बेटा, आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो स्केलर प्रोडक्ट ऑबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको भी हाईलाइट कर लेना है कि जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हाईलाइट को फॉलो करता है। तो दोनों पॉइंट्स आप हाईलाइट कर लो कि एक कॉम्पिटिटिव लॉ को भी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होगा, ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ ऐसा है, जैसे मान लो दो वैक्टर को आप एड करो बी प्लस सी, बाहर ए वाले को उसके साथ डॉट कर रहे हो, तो चाहो आप इसको कैसे कर सकते हो, पहले बी के साथ डॉट कर लो, प्लस ला के सी के साथ डॉट कर लो, तो ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ये यहां पे बताया है, ठीक है। दूसरी चीज बताया है, देखो जैसे ए है और आपका नंबर क्या, लैम्डा कोई रियल नंबर है, तो अगर ए डॉट लैम्डा इनटू बी कर रहे हो तो लैम्डा को बाहर कर लो, आप ए डॉट बी भी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये सिंपल सिंपल पॉइंट है जिनको आपको हाईलाइट करना है, ठीक है, सारे पॉइंट्स को हाईलाइट मत करना, आगे चलते हैं। उसके अलावा ये आपको पता है कि आई जे के आपके तीन क्या यूनिट वेक्टर होते हैं, एक्स एक्सिस के लिए आई है, वाई एक्सिस के लिए जे है, जेड एक्सिस के लिए के है, और आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के करोगे तो वन आता है, और खुद का किसी और के साथ डॉट करोगे, आई डॉट जे कर लो, जे डॉट के कर लो, के डॉट आई, तो वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो, कॉम्पिटिटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और यूनिट वेक्टर, बस इसके अलावा कुछ भी इसमें हाईलाइट आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है कि कैसे स्केलर, कैसे दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो ये आपको पता ही है कि दो वेक्टर का डॉट कैसे करते हैं, ठीक है, थीके? आपको पता ना कि आई वाले का आई के साथ करते हैं, जे वाले का जे के साथ करते हैं, के वाले का के साथ करते हैं, क्योंकि किसी और के साथ करोगे तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसके अलावा देखो यहाँ पे एक टर्म बताया, देखो इसको हाईलाइट कर लेना कि ए डॉट बी, दो वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसको ए स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। क्या है, दो वैक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपने दो वैक्टर ले लिया, मतलब बी वाले वैक्टर को बी के साथ ही क्या कर रहे हो आप डॉट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको,
एक सेकेंड। तो गाइज यहाँ पे आप देखो, इसको मैंने हाईलाइट किया, आप भी कर लो कि ए डॉट ए, दो वेक्टर का आप डॉट कर रहे हो ना, तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे बिल्कुल आप इसको हाईलाइट कर लेना। ये ऐसे कि मान लो अगर आपको ऐसे दिया बी डॉट बी करना है, ठीक है, कि आपको एक वेक्टर बी दिया हुआ है और बी वाले को बी के साथ ही आपको क्या करना है, डॉट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हाईलाइट कर लो फर्स्ट वाले। एक सेकेंड क्या हो गया ये, एक सेकेंड गाइज, ये एनसी क्या हो गया ये, रुको बच्चों रुको, ये अपने आप ही अजीब सा हो कुछ हो गया है, रुको 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 रुको, एक सेकंड गाइस। एक सेकंड बच्चों, ये थोड़ा अपने आप से ये कुछ इश्यू हो गया है, तो ज़रा इसको मैं, मुझे 10 सेकंड दे दो, इसको ठीक कर लूँ। कहाँ थे, इस वाले पेज पे थे ना, रुको जा भाई, ठीक हो जा, रुको गाइस, इज इट फाइन एवरीवन, क्या आप सही है बच्चों, एवरीवन इज इट फाइन, जल्दी से बता दो, क्या आप नॉर्मल हो गया, सही हो गया, ठीक हो गया, एक बार बता दो जल्दी से चैट में। बच्चों सही हो गया, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि इस वाले बस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना, ये दिख रहा है आपको, यहां पे आपको बताया है कि जैसे आपका a डॉट a, दो वेक्टर का आप डॉट कर रहे हो, a डॉट a करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका a स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आपने b डॉट b कर लिया दो वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, ये आपको यहां बताया। दूसरे वाले पॉइंट को भी हाईलाइट कर लेना, दूसरे वाले पॉइंट में आपको क्या बताया कि जब भी दो वैक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो गाइज बस इन दोनों पॉइंट को इस पेज पर हाईलाइट कर लो, ठीक है। यस जसवीर, वो पहले ही करा दी थी मैंने, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए, अब आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्स एफ एंड डी, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। आप ये बताओ कि दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करते हो ए डॉट बी, तो क्या लिखते हो आप, इसको लिखते हो ना ए बी कॉस थीटा। अब इससे अगर आप कॉस थीटा निकालोगे तो क्या होगा, दोनों का ऊपर डॉट प्रोडक्ट करना है और नीचे क्या करना है, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देना, इससे आपका क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो सिमिलरली बताओ यहाँ पे कॉस थीटा निकालना है तो आप क्या करोगे, दो वेक्टर दिए एफ और डी, तो दोनों का डॉट करोगे और दोनों के ही मैग्नीट्यूड से क्या करोगे, आप डिवाइड दे दोगे। आप ये बताओ फोर्स कितना है, ये है आपका 3i प्लस 4j प्लस 5k है ना, अब इसको आपको डॉट करना है किसके साथ, डी वाले के साथ, तो डी वाला क्या है 5i 4j प्लस 3k, और उसको नीचे उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो, डिवाइड कर दो। बच्चों ये बताओ कि 5 वाले का मैग्नीट्यूड क्या, अगर आप देखोगे तो ये क्या है, रूट अंडर, ये क्या है, ये आपका 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, और ये क्या है 5 स्क्वायर है, तो कितना आ गया, ये 9 आ गया, ये 16 आ गया, और ये क्या आ गया 25 आ गया, तो कितना हो गया बच्चों, अगर आप देखोगे 16 25 50, तो ये आपका रूट 50 आ रहा है। सिमिलरली आप डी वाले का मैग्नीट्यूड निकालो, डी वाले का भी ऐसे लिखोगे ना, क्या लिखोगे 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, क्या इसका भी आपका रूट 50 आ रहा है, यहाँ पे आप लिख दो, दोनों का आपने रूट 50 लिख दिया, सॉल्व कर लेना, इससे आपका क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो देखो ये कुछ ऐसा एंगल आ रहा है। अब बताओ आई वाले को आई के साथ करोगे, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ, ऐसा ही कुछ करोगे, ठीक है। तो देखो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे कॉस थीटा, आई वाले को आई के साथ करोगे तो क्या हो गया 15, जे वाले को जे के साथ करोगे 16, ये क्या हो गया 15, ठीक है, और नीचे क्या आ गया आपका 50 आ गया, ठीक है। तो बस आपको ये सॉल्व करने की जरूरत है बच्चों, और इसमें आप देख लोगे इजिली आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, क्या ये बात क्लियर है, और याद रखना यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो इस माइनस को लिख लो, यहाँ पे माइनस है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 16/50 आ रहा है, क्योंकि माइनस 5k दिया है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल एग्जाम्पल है, 6.1 था, आसान सा एग्जाम्पल दिया था कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालना है, तो आपने स्केलर प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी, खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्शन, आपने प्रोजेक्शन वाला टॉपिक पढ़ा होगा ना, कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कैसे प्रोजेक्शन निकालते हैं, वो आपको यहाँ पे बताया गया। जैसे आप देखो आपका ए वेक्टर है, ये क्या है बी वेक्टर, अब बी वाले का ए पे प्रोजेक्शन निकालो, तो गाइस प्रोजेक्शन कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ आ रहा है पूरा, अब आप खुद बताओ कि इस बी का अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे तो ये क्या आएगा, बी कॉस थीटा आ जाएगा। और आपको पता है दो वेक्टर का डॉट कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और इसका प्रोजेक्शन क्या है, बी कॉस थीटा। तो इससे अगर आप बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, ए
डॉट बी और उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करना, डिवाइड कर देना, ये आपका प्रोजेक्शन आ जाएगा, ये आपका प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो बड़ी इजीली तरीके से आप इसे प्रोजेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बच्चों आप देखो, अगर मान लो ए का बी पे प्रोजेक्शन पूछेगा, देखो ये रहा ए, इसका प्रोजेक्शन लोगे तो आप देखो ये प्रोजेक्शन बी वाले पे कुछ ऐसा जाएगा, और ए का कॉम्पोनेंट लोगे इसके साथ एंगल बना रहा तो क्या जाएगा, ए कॉस थीटा। तो बी वाले का कॉम्पोनेंट निकालना है तो बी कॉस थीटा, ए वाले का कॉम्पोनेंट निकालना है तो ए कॉस थीटा। तो आप ये बताओ ए डॉट बी है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा ना, इसी से आप ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो कॉम्पोनेंट आ गया, क्या आ गया, ए डॉट बी अपॉन क्या हो गया, ये आपका बी हो गया। तो इससे आप ए वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकाल सकते हो। तो ये चीज है यहाँ पे है, ठीक है वैशाली, ओके विल टेक एनएलएम। बेटा एक एक प्लेलिस्ट बनी होगी एनसीईआरटी के नाम से जसवीर, उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है, उसके अंदर मिल जाएगा आपको। चले आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं गाइज मोशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। तो गाइज यहाँ पे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बताया हुआ है, तो आप देखो वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में कैसे बताया, ये आपकी इक्वेशन है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। इसने क्या किया कि आपको पता है कि यू और वी फाइनल वेलोसिटी है, इसने दोनों साइड एम बाय टू से क्या कर दिया, हर एक टर्म में एम बाय टू से इसने मल्टीप्लाई कर दिया। जितने भी आपको टर्म्स दिख रहे हैं ना, सब में इसने क्या किया कि एम बाय टू से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ एम यू स्क्वायर। अब इधर देखो, इधर वन बाय टू एम था, इधर पहले से ही क्या था, टू ए एस, तो टू से टू कैंसिल, ये क्या आ गया, एम ए इंटू एस। देखो ये आ गया ना, एम ए इंटू एस। तो आपको पता है कि एम ए को फोर्स लिख सकते हो, तो ये क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को इसने वर्क लिख दिया है, ठीक है। तो यहां पे इसने क्या बोला, देखो क्या आ गया इसका फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डॉट डी, वर्क डन। मतलब इसने बोला वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। और ये आपको पता है, ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये आपका डब्ल्यू आ गया गाइज, ये आपका W आ गया, ठीक है। ये किसने बताया, ये आपका सिंपल सा यहाँ छोटा सा एक प्रूफ दे रखा है वर्क एनर्जी थ्योरम का, वो यहाँ पे है, ठीक है, क्लियर है। आपकी इस इक्वेशन को इसने धर लिया, दोनों हाफ से हर एक टर्म में m बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये कुछ आपका ऐसे बन गया फॉर्मूला, बस खत्म, ठीक है, आगे चलो। इसके अलावा इसमें देखो उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे दिया हुआ, इसको आप अंडरलाइन कर लो। देखो वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑन द बॉडी ओवर ए सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या लिखा है, के आई के फाइनल आर द रिस्पेक्टिवली इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वर्क रेफर्स टू द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर इट ओवर विच इट एक्स। अब यहां पर देखो क्या दिया है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। इसको हाईलाइट कर लो बच्चों, इसको हाईलाइट कर लो, और कुछ मत हाईलाइट करना यहाँ पे, इसको हाईलाइट कर लो। यहाँ पे जो इसने बोला ना कि जब भी किसी बॉडी पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। तो जो भी नेट फोर्स जो है, टोटल फोर्स जो उस बॉडी पे वर्क डन कर रहा है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इस वाले पॉइंट को आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। आगे आ जाओ 6.2 एग्जांपल में, देखो यहां पे क्या दिया है, इट इज वेल नोन दैट ए रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स, द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट इट अदरवाइज अनडिटरमाइंड। कंसिडर ए ड्रॉप ऑफ मास, एक गाइज एक ड्रॉप है जिसका मास कितना दिया हुआ, 1 ग्राम दिया हुआ है। अब वो फॉल कर रहा है 1 किलोमीटर की हाइट से, आप उसको वो जमीन पे गिर रहा है, ठीक है, 1 किलोमीटर की हाइट की जमीन से गिर रहा है। अब क्या बोल रहा है, इट हिट्स द ग्राउंड विद ए स्पीड, अच्छा वो ग्राउंड पे हिट कर रहा है बच्चों, तो कितनी स्पीड से कर रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड से हिट कर रहा है। अब आपको क्या बोला है, वॉट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन कर लिया, एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। आपको पता है कि जब कभी कोई एयर जो है उस पर फोर्स लगा रहा होगा, एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगा रहा होगा, तो वो एयर रेजिस्टेंस कितना वर्क डन कर रहा होगा, ये आपसे पूछा है। तो भाई सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क डन करेगा बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ही तो वर्क डन करेगा, एम जी एच क्यू, क्योंकि ड्रॉप नीचे आ रहा है, ड्रॉप का मास ग्राम में दिया है, तो 1/1000 लिख दिया मैंने उसको, और जी की वैल्यू को कॉन्स्टेंट मान लेते हैं 1 किलोमीटर के लिए भी जी, और हाइट कितनी हाइट है, हाइट 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, तो ये कैंसिल, कितना आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने 10 जूल का वर्क डन किया। मतलब जब वो ड्रॉप नीचे आया ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, 10 जूल का किया। ये बताओ बच्चों कि स्टार्टिंग में जब वो ड्रॉप जब गिरा होगा, तो उसकी वेलोसिटी जीरो की स्टार्टिंग में, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। फाइनली ये बताओ बच्चों, फाइनली जब वीन पर जब गिर रहा है, तो किसी वेलोसिटी से गिर रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा। अब अभी आपने पढ़ा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, कि वर्क डन जितने भी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, यही है। अब बताओ कौन कौन सी फोर्सेस वर्क डन कर रही है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा जो भी रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है, वो जो फोर्स लगा रहा है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया है, पॉजिटिव में 10 जूल, क्यों, क्योंकि ड्रॉप नीचे गिर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लगता है, इसलिए प्लस 10।
अब हमें इसका निकालना है कि ए रेजिस्टेंस कितना करेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप यहां पुट कर दो, इनिशियल जीरो, इससे सॉल्व कर लोगे तो वर्क डन बाय एयर आ जाएगा, वर्क डन बाय एयर आ जाएगा जो नेगेटिव में आ रहा है, तो ये आपका। तो इसमें दो चीजें पूछी थी इस एग्जांपल नंबर टू में, कि एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है, और दूसरा कि जब वो नीचे आ रहा है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो वो एयर रेजिस्टेंस कितना वर्क डन कर रहा है ये पूछा है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, दो ही फोर्सेस वर्क डन कर रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल और वो एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल का 10 है और एयर रेजिस्टेंस का नहीं पता है, के फाइनल पता है, के इनिशियल पता है, सॉल्व हो गया, खत्म। क्लियर एवरीवन? ठीक है, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वर्क डन का फॉर्मूला बताया हुआ, देखो क्या दिया है, कि जैसे आपका एक ब्लॉक है ए से बी पॉइंट पे जा रहा है, उस पर कोई फोर्स एफ लगा रहा है और ये थीटा एंगल पे, तो आपको पता इस एफ, देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स आपका इधर लग रहा है, तो आपने फोर्स का कॉम्पोनेंट निकाला होगा ना इधर, कितना होगा एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला बचपन में हमने पढ़ा था ना, एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था एफ इंटू एस, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन होने चाहिए, तो कौन सा फोर्स है इस किस डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में, एफ कॉस थीटा और दिस, ये आ गया। अब आपको पता है इसको आप एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हो, ये आपके वर्क डन का फॉर्मूला आ गया बस। और आपको पता है कि ए डॉट बी, दो वैक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसको ए बी कॉस थीटा लिखते हो ना, तो आप जरा खुद बताओ कि यहाँ पे जो एफ एस कॉस थीटा है इसको एफ डॉट एस लिख सकते हो, हाँ, तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा बस। ठीक है, तो आप ऐसे वर्क डन के बारे में बताएं, इसमें कुछ भी आपको हाईलाइट नहीं करना है इस वाले पेज में, ठीक है, देखो वही चीज बताई हुई है यहाँ पे, कुछ भी हाईलाइट नहीं करना। इसको देखो, द वर्क डन बाय फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको हाईलाइट कर लो बच्चों, इसको हाईलाइट कर लो, यहाँ पे वर्क डन का आपको डेफिनेशन बताया हुआ है। काइनेमेटिक्स में बेटा मोशन इन ए प्लेन को काइनेमेटिक्स 2D बोल सकते हो वैशाली, काइनेमेटिक्स इन 2D। क्लियर एवरीवन? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो यानी कि ये वाली चीज क्लियर है कि वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, इसको हाईलाइट कर लेना। आगे देखो और क्या बोला है, देखो मीनिंग ऑफ वर्क इन फिजिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स यूजर्स इन एवरीडे लैंग्वेज। गाइज, नो वर्क इज डन इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ऑब्वियसली गाइज डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, जैसे वेट लिफ्टर वाला एग्जाम्पल दे दिया कि कोई वेट लेके खड़ा है, ठीक है, तो उसके पे कोई वर्क डन नहीं कर रहा है। ठीक है, डज नो वर्क डन, लोड के ऊपर हम कोई वर्क डन नहीं कर रहे हैं। यहां बोला है कि अगर फोर्स ही जीरो है तो भी वर्क डन जीरो होगा। जैसे देखो, ए ब्लॉक मूविंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो वहां पे वर्क डन जीरो होगा। तो ये पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना बच्चों, ये एग्जांपल्स है, इनको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो इनको हाईलाइट कर लेना कि अगर वर्क डन कहां कहां पे नहीं होता है। उसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो भी वर्क डन नहीं होगा। ये तो आपको पहले से ही पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो भी वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल दीजिए, देखो इफ वी एज्यूम दैट मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज ए परफेक्टली सर्कुलर देन द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नो वर्क डन। आपको पता है कि जैसे मान लो कि ये अर्थ है और यहाँ पे मून है, ठीक है, ये आपका क्या बच्चों मून है, और मून जो है अर्थ के चक्कर लगा रहा है, ये आपको यहाँ पे बोला है, और आप खुद बताओ कि जो अर्थ का रोटेशनल फोर्स है उस पर इधर लग रहा होगा, ये इधर, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट का होगा। तो खुद बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा है। ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ठीक है, उसके अलावा आपको ये दिया हुआ है कि आपका आपको ये पता नहीं कि कॉस थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव कब होती है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क डन के बारे में बताया हुआ। आप बताओ कि जब थीटा की वैल्यू जीरो से जीरो और या बच्चों 90 से कम है तभी होगा। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, जीरो वर्क डन कब होगा बेटा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 होगी, या फिर फोर्स जीरो होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो वर्क डन भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो होगा। यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब वर्क डन नेगेटिव कब होता है बच्चों, जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, वो कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होती है। तो यही गाइस यहां पे आपको सिर्फ यही सब बताया, तो इसको हाईलाइट मत करना क्योंकि ये सब चीजें तो आपके नोट्स में भी है। ठीक है बच्चों, ये सब चीजें तो आपके नोट्स में भी है, तो इन पॉइंट्स को यहां पे कुछ भी हाईलाइट वाईलाइट मत करना, आपके नोट में मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पे वही दिया है, इसको देख लेना है टेबल को। एक अर्ग में 10^-7 जूल होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, 1.6×10^-19 जूल लगा दो आगे। ठीक है, एक कैलोरी में कितना होता है, 4.186 जूल, या फिर उसको 4.2 जूल भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और यहाँ पे दिया एक किलोवाट आर में कितना जूल होता है, इसको भी ध्यान रखना। तो गाइस ये आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि इसमें से एक याद है बाकी नहीं, इनको याद रखना कि एक एक अर्ग में कितना जूल होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, एक कैलोरी में कितना जूल होता है, एक किलोवाट आर में कितना जूल होता है। तो ये चीजें आपको बच्चों पता होनी चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.3 में क्या दिया है। ए साइकिलिस्ट कम्स टू ए स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज दिस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोशन। क्या बोला है कि द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड, तो जो रोड है उस साइकिल पे कितना फोर्स लगा रहा है, 200 न्यूटन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, तो रोड ने साइकिल पे कितना वर्क डन किया ये पूछा है। आप ये बताओ कि साइकिल कितना दूर जा रहा है, साइकिल जा रहा है 10 मीटर। ठीक है, और आपको पता है कि साइकिल अगर राइट में जा रहा है तो रोड उस पर फोर्स किधर, रोड रोड इस पर फोर्स किधर लगा रहा है बताओ। द स्टॉपिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट मेक एन एंगल 180 डिग्री। बताओ अगर गाड़ी को रोकना है, बाई साइकिल को रोकना है, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, कितना लग रहा है, 200 न्यूटन। तो खुद बताओ वर्क डन यहाँ नेगेटिव होगा, माइनस एफ इन टू एस, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो कितना आ रहा है, माइनस 2000 जूल। ये आ रहा है पहला पार्ट कि आपका वर्क डन बाय द रोड, कि रोड ने साइकिल पे कितना वर्क डन किया, -200 जूल किया यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि जो रोड फोर्स लगाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा, क्योंकि साइकिल रोक रहे हो और ये इधर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, वर्क डन नेगेटिव आएगा। उसके आगे देखो, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, तो साइकिल ने, बच्चों साइकिल ने रोड पे कितना वर्क डन किया ये बताओ, कि रोड जो है उसका कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या, नहीं, जिस भी पॉइंट पे साइकिल फोर्स लगा रहा है वो पॉइंट वहीं पे है, तो जब रोड का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो वर्क डन कहां से होगा, जीरो। सो गाइस, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन द रोड ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक, हाउएवर रोड अंडरगोज नो डिस्प्लेसमेंट, दस वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड इज जीरो, क्योंकि आपका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा रोड का, इसीलिए वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड क्या होगा, जीरो होगा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6.3 था, आसान से एग्जाम्पल था। ठीक है, आगे चलो, आगे देखो क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया हुआ, डिफाइन किया। देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एंड वेलोसिटी वी, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होगा बच्चों। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या, एक स्केलर क्वांटिटी, हाईलाइट कर लो सब। ठीक है, इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम हैज यूज टू ग्रिंड कॉर्न, मतलब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए काइनेटिक एनर्जी के। उसके अलावा दिया है, जैसे देखो कार का जो मास होता है 2000 kg के आसपास से मान लो, और वो 25,000 है, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, इतनी निकाल के दिखाया इसने। जैसे एथलीट है, जैसे कोई एथलीट है, उसका मास 70 kg है और वो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो उसकी स्पीड इतनी होगी। बुलेट की स्पीड, बुलेट का मास देख रहे हो, मान लो 50 ग्राम है बुलेट का मास, अब 200 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो उसकी एनर्जी देख रहे हो कितनी, 1000 जूल है। तो यहाँ पे बस आपको ना बेटा थोड़ा आइडिया दिया हुआ, इसमें कुछ भी आपको रटना वटना नहीं है, याद नहीं करना, उसने बस निकाल के हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की उसने काइनेटिक एनर्जी निकाल के आपको दिखाई है। तो इस वाले पेज में कुछ भी हाईलाइट नहीं करना। आगे चलो, एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, इन ए बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन पुलिस ऑफिसर फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। एक पुलिस ऑफिसर है, 50 ग्राम के बुलेट को क्या कर रहा है, फायर कर रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 200 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, ऑन द सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस दिस, अब क्या वो किसी प्लाईवुड पे, बेटा कोई लकड़ी का फट्टा है उस पर वो बुलेट क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, उस पर वो बुलेट हिट कर रहा है, कितने से, 200 मीटर पर सेकंड से। एंड द बुलेट इमर्जेस आउट ओनली, अब बुलेट जब बाहर आ रहा है ना, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी यहां थी ना, उसका 10% काइनेटिक एनर्जी लेके वो बाहर आ रहा है, 10% काइनेटिक एनर्जी बची और वो बाहर आ गया लेके। ठीक है, तो मतलब 90% एनर्जी उसकी लॉस होगी, तो उसने बोला कितनी वेलोसिटी से वो बाहर आएगा। ये बताओ कि स्टार्टिंग में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी कितनी है, 200 का होल स्क्वायर। फाइनल बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल का 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये बताओ उसको आप क्या लिख दोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चलो तो लिख दो यहाँ पे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 10% ऑफ इनिशियल। अब फाइनल मान लो फाइनल वी वेलोसिटी से आया, तो कितना लिखोगे, 1/2 mv², और 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m² का क्या होगा, होल स्क्वायर। देखो ये कैंसिल, एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो वी स्क्वायर कितना आ गया, 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 आ गया। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा कि बुलेट कितनी स्पीड से बाहर आ रहा है। ये एग्जांपल नंबर 6.4 है आपके एनसीईआरटी का, आसान सा है यार। देखो ना, स्टार्टिंग में हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनली हाफ एम, स्टार्टिंग में 1/2 m² 200 का होल स्क्वायर, और जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल का 10% है। ठीक है, इनिशियल का 10% है, तो आपने इसको 10% के बराबर कर दिया, खत्म, क्लियर है, चले ओके आगे चलते हैं। आगे देखो क्या दिया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आप ये बताओ कि आपने ये पढ़ा ना कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ऐसे निकालना, एफ डॉट डी आर करके,
तो वो सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है बेटा। तो इस पेज पे कुछ भी आप रीड मत करना, क्यों? क्योंकि जिस भी टीचर से आपने वर्क एनर्जी पढ़ा होगा उसने आपको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के बारे में पढ़ाया होगा कि जब भी फोर्स वेरिएबल होता है तो कैसे वर्क डन निकालते हैं, यही आता है ना, लिमिट्स ले लो और एफ एक्स डी एक्स, ये तो सारी चीजें यही बताई है। दोबारा इस वाली स्लाइड पे कुछ भी मत करना, कुछ भी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज आपने टीचर से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, उसी वही चीज को यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाया, कोई मतलब नहीं है इनको रीड करने का। ठीक है, देखो अब इसका आपको पता ही है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया रहेगा तो इसका जो एरिया है वो आपको क्या दे देगा, वर्क डन देगा। ये पता है ना कि क्या होता है वर्क डन, एरिया क्या होता है, किसी भी ग्राफ का एरिया होता है वाई डी एक्स। अब वाई पे आपने फोर्स लिया हुआ डी एक्स, ये आपका वर्क डन हो गया। तो मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया रहेगा तो उसका एरिया क्या दे देगा, आपको वर्क डन देगा। इसको इसी वाले पेज पे लिख लो, ठीक है, इसी पेज पे लिख लो। वैसे भी यहां दिया है द एरिया अंडर द कर्व इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स। इसको हाईलाइट कर लो कि जो आपका वर्क डन का इसका जो एरिया होगा वो आपको वर्क डन देगा। आगे चलते देखो इस एग्जाम्पल में क्या दिया है। ए वुमेन पुशेस ए ट्रंक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज ए रफ सर्फेस। ठीक है भाई, सी अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ठीक है, देयर आफ्टर सी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद 50 न्यूटन। द टोटल डिस्टेंस थ्रू द ट्रंक हैज मूव 20 मीटर। अब देखो इसका ग्राफ दिया हुआ कि कोई जो औरत है, ठीक है, कोई लड़की है, मान लो कि वो किसी ट्रंक पे किसी बॉक्स पे फोर्स लगा रही है, तो स्टार्टिंग में ना 10 मीटर तक तो उसने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया बिल्कुल कांस्टेंट। उसके बाद वो थक गई, उसका फोर्स घटने लगा, अब फोर्स घटते 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 कहां पहुंच गया, 50 न्यूटन पहुंच गया, लेकिन टोटल उसने कितना ट्रेवल कर लिया, 20 मीटर। 10 मीटर तक देखोगे तो उसका फोर्स कांस्टेंट था, बाकी 10 मीटर पे उसका फोर्स डिक्रीज कर गया। अब क्या बोल रहा है, प्लॉट द फोर्स, अब यहां पे ग्राफ दिया, ग्राफ हो गया, अब इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही आएगा ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, पहले कांस्टेंट फिर डिक्रीज करते करते 50 पे ले जाना है। क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस, तो टोटल कितना वर्क डन आया है ये आपको निकालना है। तो गाइज आपको वर्क डन निकालना है, आपको बताया ना मैंने, इसका एरिया निकाल लो, इसका जो एरिया होगा वही तो वर्क डन होगा। आपने देखो पहले एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, तो कितना है 100 × कितना है 10, ये आ गया आपका 100 × 10। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये एक आपको ट्राइंगल दिख रहा है, गाइज ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये 50 है तो 1/2, या फिर इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल रेक्टेंगल करना पड़ेगा, या फिर इससे चाहो तो आप ट्रेपेजियम मान के भी कर सकते हो, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड एंड सेपरेशन बिटवीन देम, यही होता है ना। देखो ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा, ऐसे ट्रेपेजियम, ठीक है, जिसकी ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट 100 है और ये वाली हाइट कितनी है 50 है, दोनों के बीच का गैप कितना है 10 है। तो देखो इसने वही फॉर्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1750 जूल, दिस इज द वर्क डन बाय द टोटल वर्क डन। ठीक है, क्या आपको ये बात क्लियर होगी। लेकिन अब आपको इसमें ये भी निकालना है कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, गाइस फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया है। आप ये बताओ कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास, अगर आप ध्यान से देखोगे वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे कितना निकालना, फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया ये निकालना है। तो गाइस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आप ये बताओ सबसे पहले कि कौन से वाले में फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हुआ। बेटा आप ये देखो, क्या यहां तक कोई भी फ्रिक्शन लग रहा था, बच्चों जरा ध्यान से देखोगे यहां पे क्या कोई फ्रिक्शन लग रहा था, बताओ बच्चों, एवरीवन। बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शन आपको निकालना पड़ेगा, कि फ्रिक्शन भी अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शन कितना है माइनस, देखो यहां दिया ना, प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, 50 न्यूटन का फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली लग रहा है, तो देखो फ्रिक्शन माइनस 50 न्यूटन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये बताओ कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो 10 20 मीटर तक चलाया उसने, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, माइनस एफ इंटू एस, तो माइनस 50 × 200, तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है 1000 जूल। बेटा टोटल वर्क डन कितना है 1750, और फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है 1000 जूल। ये है पूरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6.5। क्लियर बच्चों, क्लियर एवरीवन, एवरीवन इज दिस क्लियर, कैसे आपने निकाला है कि यहां पे टोटल वर्क डन कितना, फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया है। आ जाओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। तो गाइज जो फोर्स वेरिएबल है उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाते हैं, तो गाइज वही कैलकुलस मेथड, आपका जो फोर्स कॉन्स्टेंट होता है ये लगता है के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, अब इसी को अगर मान लो फोर्स वेरिएबल है तो ये क्या रहता है, ये आपका इंटीग्रेशन एफ डी एक्स हो जाता है, बस यही है, ऐसे करते हैं। ठीक है, यश अरण्या, दिस इज वन शॉट, दिस इज वन शॉट बेटा। ओके इधर देखो, अब आप देखो इसको निकाला कैसे, देखो आपको पता ना काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना बेटा,
हाफ एम वी स्क्वायर, इसने इसको काइनेटिक एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। देखो क्या होगा, डीके बाई डीटी, अब इधर आपका मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया इसने तो क्या आ गया डीवी, वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा टू वी डीवी बाय डीटी, तो यही आ गया इसका। देखो यहाँ पे चलो मैं कर देता हूँ, देखो क्या हो गया डीके बाय डीटी और वी काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा वन बाय टू एम वी स्क्वायर का क्या होगा टू वी डीवी बाय डीटी, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये टू से टू कैंसिल हो गया, इधर हो गया आपका डीके बाय डीटी, इधर क्या बचा डीवी बाय डीटी, एक्सेलरेशन होता है तो ये एम ए इंटू वी, ये ऐसे आ गया, ये आ गया ऐसे। और एम ए क्या होता है बेटा, एम ए आपका फोर्स होता है, तो ये कुछ ऐसे आ गया एफ इंटू वी आ गया, एफ इंटू वी आ गया। अब चाहो तो वेलोसिटी को आप डी एक्स बाय डी टी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, देखो डी टी डी टी कैंसिल हो गया। अब आप बता दो क्या आ गया, ये आ गया आपका डी के इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो गाइस इंटीग्रेट कर दो इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये आ गया इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट, तो कुछ ऐसा आ गया ये आपका। ठीक है, ऐसा आ गया। तो गाइस ये आपका वेरिएबल वाला कैसे, एक डेरिवेशन है बेटा, ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, कुछ नहीं किया बेटा, बहुत ही आसान सा है। आपने सिंपली क्या करना है कि आपका काइनेटिक एनर्जी है, इसको आपने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या आ गया डी के बाई डी टी एम ए इंटू वी आ गया। अब वेलोसिटी को क्या लिख दिया डी एक्स बाई डी टी, देखो टी डी टी डी टी कैंसिल हो गया, तो डी के हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन एफ डी एक्स हो गया, इसको इंटीग्रेट करोगे ये आ गया। तो यही है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम देख लिया कि हमारा कांस्टेंट फोर्स में भी होता है और वेरिएबल फोर्स, जब फोर्स वेरिएबल है तो कैसे होता है। आगे चलते हैं, नहीं इसमें कुछ भी नहीं है, इसके आगे देखो एग्जांपल नंबर 6.6, देखो क्या दिया है, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 केजी, कोई ब्लॉक है जिसका मास 1 केजी दिया हुआ है, मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद ए स्पीड ऑफ दिस, एंटर से रफ पैच ड्यूरिंग 10 to 10.10 to 2.01 रिटार्डिंग फोर्स दिस। अब कितना फोर्स लग रहा है बेटा, फोर्स इतना लग रहा है। अब आप ये बताओ कि ये फोर्स आपको 0.1 से 2.01 तक लग रहा है, उसके बाद ये फोर्स जीरो है, इससे कम और ज्यादा है, कोई कांस्टेंट इसके वाली 0.5 दिए, तो आपको बताना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। आप बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन होगा। अब आप खुद बताओ कि वर्क डन फोर्स आपका यहाँ पे वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा एफ डी एक्स, तो बस इसको आप रखो और इंटीग्रेट कर दो, काम खत्म। तो गाइस फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 1/2 mu² ये इंटीग्रेशन एफ डी एक्स होगा। अब बस फोर्स की वैल्यू रखो कितना है माइनस के बाय एक्स डी एक्स, ठीक है, और ये आपका के फाइनल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 1/2, मास कितना है 1 kg और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, कहां से कहां जा रहा है 0.1 से 2.01, तो लिमिट कहां से ले लो 0.1 से 2.01 जा रहा है। अब यहां पे प्योर इंटीग्रेशन है बेटा, देखो इधर क्या आ गया के फाइनल, इसको सॉल्व करोगे तो 2 जूल आ गया, इधर देखो माइनस बाहर ले लिया, के भी बाहर ले लिया, ये आ गया डी एक्स अपॉन एक्स। तो गई बेटा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स होता है ना, अब देखो कितना आ गया, तो के फाइनल की वैल्यू कितनी होगी 2 इधर आके प्लस हो गया, और देखो माइनस के, और ये हो गया लॉग एक्स, अपर लिमिट क्या है 2.01, लोअर लिमिट क्या 0.01, ये आपका आ गया देखो ऐसे। तो ये यहाँ पे क्या आ गया आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया 2 - k (log) और अपर लिमिट है, लोअर लिमिट इसको पुट कर दोगे आ जाएगा। क्लियर एवरीवन, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके आगे चलते हैं, आगे चलो गाइस, देखो द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको पता है कि जब भी किसी बॉडी का आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है ना, किस बॉडी एनर्जी किसी के शेप की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी है, पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी है, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी है। तो गाइस यहां से यहां तक सारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जो आपने पढ़ाई टीचर से पढ़ी रखा है, तो इसमें कुछ भी रीड मत करना, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको दोबारा फिर उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दिए हैं कि किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉल ऑफ मास एम इज दिस, जैसे कोई बॉल है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, mg लग रहा है, उसको ऊपर से नीचे लेके आए तो कितना उस पर वर्क डन किया अर्थ ने, वो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, इस सारी चीज़ें यदि हुई हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, तो इसमें कुछ भी मत पढ़ना, इन चक्करों में मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपका वही देखो फॉर्मूला, आपका mgh वाले फॉर्मूले के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, तो कुछ भी गाइस इसमें रीड करने की जरूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। क्या ये भी फॉर्मूला आपने देखा होगा कि जो फोर्स होता है माइनस ऑफ du बाई dx के बराबर होता है ना, ये चीज भी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, और आपने भी देखा है कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हो ऐसे ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल यू बाई डेल एक्स आई माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप, ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी हुई हैं, सेम चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, तो कोई फायदा नहीं। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा है कि अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो du इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एफ डी एक्स,
इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। देखो माइनस एफ डी एक्स लिख दो, तो वही ना आपको, आपने पढ़ा होगा कि फोर्स दिया हो, फोर्स अगर गिवन हो तो कैसे आप पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करते हो, वो ये रहा तरीका। ठीक है, अब जब आपका पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो तो कैसे आप फोर्स फाइंड आउट करते हो, वो ये रहा तरीका। तो ये चीजें आपने पढ़ी हुई है, आपके प्रॉपरली आपके नोट्स में ये चीजें मेंशन है। ठीक है, तो इन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना मैं। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब आप खुद बताइए, आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को गाइज ये चीजें आपने पढ़ी हुई है कि जो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस होता है क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये आपने पढ़ा है, बोर्क एनर्जी थ्योरम तो यही बोलता है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आप आपने ये भी पढ़ा है कि आपका कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और आपका नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, तो कंजर्वेटिव के लिए आपने पढ़ा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है आपने, और आपको पता है कि नॉन कंजर्वेटिव के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करते हैं, नॉन कंजर्वेटिव पढ़ा है आपने। ठीक है, अब मान लो किसी बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल होगा। अब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन माइनस ऑफ डेल यू के भी क्या होता है, बराबर होता है, यही होता है ना। अब बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसको सही से रीअरेंज करोगे तो ऐसा आ जाएगा, इनिशियल वाले एक साइड आ जाते हैं, फाइनल वाले एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो आपका क्या है बच्चों, वो आपका कॉन्स्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी का सम और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या है, आपका कॉन्स्टेंट है, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ये लिखा है इफ द फोर्स इज कॉन्स्टेंट द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज दिस। तो ये आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, यहाँ पे ये बताया कि मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहेगा, जब ओनली गाइज ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर लग रही हैं, तो आपका जो कंजर्वेटिव जो आपका मैकेनिकल एनर्जी रहता है, मतलब द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ये बात आपको बताई गई है। तो इसको रीड करने से क्या फायदा, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, सारी चीजें वही बताई हुई है कि कब आपका कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा तो क्या होता है। ठीक है, देखो ए फोर्स एफ एक्स इज कंजर्वेटिव इफ इट कैन बी डिराइव फ्रॉम द स्केलर क्वांटिटी दिस। द थ्री डायमेंशनल जनरलाइजेशन रिक्वायर्स द यूज ऑफ द वेक्टर डेरिवेटिव। ये कुछ नहीं है, इक्वेशन 3.6.9 में क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो 6.9 में, अच्छा ये तो हमने देख लिया। उसके अलावा इसमें हाँ यहाँ पे देखो, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व इफ द फोर्स डूइंग वर्क डन ऑन इट आर कंजर्वेटिव। यही जो मैंने आपको बताया, देखो ये इसको हाईलाइट कर लो, इसने बोला है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व रहता है जब सिर्फ वर्क डन कौन कर रहा हो, कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा हो, तभी ये आपका कंजर्व रहता है, ये चीज आपको यहाँ पे बताइए। तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे जो इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया हुआ ना, उसमें एक तो बस ये बात बताइए और ये स्टेटमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं बताया है। तो बेवजह अगर आप उसको रीड भी करोगे तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी, ठीक है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, और जब कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो मैकेनिकल एनर्जी क्यों कंजर्व रहता है, ये मैंने अभी बताया, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है, यहाँ पे अब आप देखो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व करने के बारे में वही सारी चीजें बताई हुई है, इसको छोड़ो अभी। यहाँ पे अब आप देखो आपका वर्टिकल सर्कल, इसे देखो क्या दिया है 6.7 एग्जांपल में, देखो एक सेकंड, ये एग्जांपल वीसीएम है। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। तो हाँ आ जाओ फिनिश करते हैं इसे। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिया, देखो ए बॉब ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्प्रिंग एल। देखो लाइट स्प्रिंग एल है, यहाँ पे एक बॉब को सस्पेंड किया गया। ठीक है, इट इज इम्पार्टेड टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट। अब क्या दिया है कि ऑब्टेन एंड गाइज, ये बताओ कि आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा है बच्चों, आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना, वीसीएम कितना मिनिमम वेलोसिटी दो, पता है ना क्या होता है, आपने ये देखा होगा एक तो रूट अंडर 2gr होता है, एक रूट अंडर 5gr होता है। अगर आपके लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी रूट अंडर 5gr से बड़ी या बराबर है तो वीसीएम करता है, पता है ना। और अगर आपकी वैल्यू अगर रूट अंडर 2gr से बड़ी और 5gr से कम है तो आपको पता ना कि इस वाले क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में जाके वो रस्सी में टेंशन क्या होता है, जीरो हो जाता है और नीचे गिर जाता है। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि किस कितने एंगल पे ये करता है, ये पढ़ाया था मैंने, क्या होता है यू स्क्वायर माइनस 2gr डिवाइड बाय क्या होता है 3gr, इतने एंगल पे उसके अंदर टेंशन जीरो हो जाता है। और अगर वेलोसिटी रूट अंडर 2gr से कम होता है वो क्या करता है बच्चों, 2gr से कम या बराबर होता है वो क्या करता है, वो आपका पेंडुलम की तरह, वो आपका पेंडुलम की तरह काम करता है। सारा ये गाइस 6.7 एग्जांपल में सारा का सारा वीसीएम की डेरिवेशन है।
बच्चों 6.7 एग्जांपल में जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो आपने वीसीएम पढ़ा उसी का पूरा डेरिवेशन देखो यहाँ पे सारा का सारा वही चीजें निकाला वही इक्वेशन। तो बेटा ये दोबारा से ये सब कोई तामझाम थोड़ी करना है, ये डेरिवेशन वी देखो रूट अंडर 5GL को प्रूफ किया इसने, टॉप मोस्ट फंड वेलोसिटी निकाली, सारा वही खेल कर रखा है इसने। लेकिन आप ही बताओ बच्चों क्या ये सारा चीज आपने पढ़ रखा है, वीसीएम वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो पढ़ रखा है ना बच्चों। एवरीवन टेल मी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून तेजस, ठीक है। तो गाइज ये चीज तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है, तो ये पूरी की पूरी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की डेरिवेशन करा रहा है आपसे 6.7 में, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ये सारा का सारा डेरिवेशन है आपके एग्जांपल नंबर 6.7 में। तो कुछ भी करना मत बेटा, एनसीईआरटी से कुछ मत करना, जिस भी टीचर से आपने वीसीएम पढ़ा वो सारी की सारी डेरिवेशन यहाँ पे उतार देनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों क्या हमने डेरिवेशन किए कि पोटेंशियल स्प्रिंग के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, पहले बताओ। आपने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाला होगा, क्या आता है वो, ऐसे आता है 1/2 kx1² -1/2 kx2² या फिर वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसे आता है -1/2 kx2, यही तो होता है बच्चों। गाइस भूल गए, यहाँ पे आपने कहाँ ले गए, x1 से उसको x2 पे ले गए, यहाँ पे पहले कोई एक्सपेंशन कुछ नहीं था, बाद में उसको x पे ले गए, तो यही है। खुद बताओ क्या ये डेरिवेशन आपके कॉपी में नहीं है, बता दो जल्दी से, बताओ बच्चों एवरीवन। तो ये यहाँ पे प्रॉपर ये पूरी की पूरी डेरिवेशन है यहाँ पे। तो यार जो डेरिवेशन आपके नोट्स में ऑलरेडी है उसको एनसीईआरटी से करने का कोई मतलब है, एक ही चीज को दो अलग अलग जगह से करोगे, दो अलग अलग तरीके से करोगे, परेशान होगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कैसे होता है, क्या होता है, वो आपने पढ़ा है, वो आपके नोट्स में भी है, तो वही यहाँ पे बताया है। देखो आपका कितना वर्क डन है, क्या ये सारी चीजें बताई हुई, तो इसको कुछ मत करना, ये आपका डेरिवेशन है जो आपके नोट्स में है, ये डेरिवेशन है बेटा जो आपके नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे दिमाग मत लगाना, ठीक है। चलो आगे चलो, अब यहाँ पे आप जरा देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे उसके अलावा आप देखो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। देखो यहाँ पे स्प्रिंग पे आपको पता ना स्प्रिंग के अंदर कितना फोर्स लगता है, -kx लगता है ना, F=-kx। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये ग्राफ बना हुआ है, देखो ये ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ है। तो अगर मान लो कि बोलता है कि पहले मान लो कि स्प्रिंग को पहले जीरो था, अब जीरो से कहाँ मैक्सिमम यहाँ तक लेके गया, तो अगर आपको ये एरिया निकाल, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया, तो इसका एरिया निकालोगे तो वर्क डन आएगा, देखो ये एरिया होगा, ये एरिया निकालोगे तो आपको वर्क डन आ जाएगा कि इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया है स्प्रिंग पे। ये देखो ये एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया बनेगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब भी ग्राफ होगा तो इसका एरिया निकालोगे, वही तो रेक्टेंगल हो, वही तो होगा, तो इसका आप निकाल लो, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे देखो वही जो मैंने बताया कि स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कैसे होता है, और आपको यहाँ पे प्रूफ किया है कि जो स्प्रिंग फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, ये तो हमने ऑलरेडी, ये प्रूफ तो आपकी कॉपी में है गाइज, ये प्रूफ तो आपके नोट्स में है कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है 1/2 kx1² -1/2 kx2² होता है, ये होता है ना, ये सारी चीजें। और आपको पता नहीं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, यही होता है बेटा। और आप खुद बताओ कि स्प्रिंग फोर्स के अंदर वर्क डन कितना आता है, -1/2 kx2, ये आता है। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है स्प्रिंग में 1/2 kx2, यही यहाँ पे निकाला है। देखो ये चीजें आपने सब पढ़ा हुआ है कि नहीं। तो गाइज जो डेरिवेशन नोट्स में है उसको एनसीईआरटी से मत करना, परेशान हो जाओगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो उसको बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपके नोट्स में है कि स्प्रिंग के स्प्रिंग कितना वर्क डन कर रहा है, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, ये प्रूफ, ये सारी चीजें आपके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलोगे यहाँ पे देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को कर लेते हैं। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे, देखो जैसे आप देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, आप ये बताओ कि कोई स्प्रिंग है बच्चों, अगर आपको पता है कि कोई चीज अगर ऑसिलेट कर रही होती है ना, जैसे मान लो गाइस कोई चीज अगर ऑसिलेट कर रही है, जैसे स्प्रिंग है, देखो स्प्रिंग को अभी स्प्रिंग क्या है, मीन पोजीशन पे, तो उसकी एक्स की वैल्यू जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो है। अब उसको आप खींच के यहाँ पे लेके आ गए, अब यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, लेकिन स्प्रिंग को सबसे ज्यादा आपने खींच दिया है तो यहाँ पे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होगा, और कितना होगा स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx2 होगा। लेकिन जब छोड़ते हो वापस यह आता है तो यहाँ वेलोसिटी मीन पोजीशन में मैक्सिमम हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी इसका मैक्सिमम होगा, कितना होगा वही 1/2 mv2। अब वापस फिर से जब वो यहाँ जाएगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे फिर से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो होता है ना बेटा, किसी स्प्रिंग को खींचो तो वो ऐसे थोड़ी देर ऐसे ऑसिलेट करता है,
ऐसे ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एक्स जीरो होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कितना होता है, वो होता है 1/2 kx2। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो। तो देखो ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया माइनस एक्सएम, ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट, और ये हो गया, ये भी आपका एक्सट्रीम पॉइंट हो गया एक्सएम। अब खुद बताओ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो। देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है जीरो जीरो, और जब वो मेन पोजीशन पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा बना, ये आपका किसका ग्राफ है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। ये आपको बता रहा है कि मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, और गाइस एक्सट्रीम दोनों एंड पे जब पहुंचता है ना स्प्रिंग, तब आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। अब देखो मेन पोजीशन पे जब स्प्रिंग मेन पोजीशन पहुंच गया तो उसके अंदर कोई एक्स नहीं होता है, कोई भी एक्सपेंशन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है। तो देखो ये ऐसे, और आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स कैसा है, स्प्रिंग फोर्स आपका कंजर्वेटिव है, तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये आपका टोटल एनर्जी हो गया, ये ग्राफ होता है। हालांकि ये ग्राफ आपको प्रॉपरली और अच्छे से समझ में आता है जब आप SHM वाले चैप्टर में पढ़ते हो, तब ज्यादा फील आता है। फिलहाल ये बात क्लियर है बच्चों, ये बात क्लियर है, क्लियर है। ओके या अनुराग, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलो, आगे देखो एग्जांपल नंबर 6.8 में क्या दिया है, टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स ऑटो मैन्युफैक्चरर स्टडी द कॉलिजन ऑफ मूविंग अर्थ मूविंग कार्स विद माउंटेड स्प्रिंग ओके ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टेंट। कंसिडर ए टिपिकल सिमुलेशन विद ए कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 18 km/h ऑन ए स्मूथ रोड एंड कोलाइडिंग विद हॉरिजॉन्टल माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दिस। वॉट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, ये बताओ कि जैसे मान लो कोई ऐसे स्प्रिंग है, ऐसे स्प्रिंग है, और जो कोई कार है ऐसे चलते हुए आ रही है, और वो इस गाड़ी इस स्प्रिंग से टकरा रही है, तो मैक्सिमम वो स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेगा, ये बोला है, ठीक है। आप ये बताओ कार के पास कौन सी एनर्जी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर होगी। अब जब वो स्प्रिंग को पूरा मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा, तो स्प्रिंग इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी होगी। क्यों? क्योंकि बेटा आप खुद बताओ कि जब आप स्प्रिंग को जैसे जैसे कार ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा होगा, इस कार की स्पीड कम हो रही होगी, कम हो रही होगी, फाइनली जब मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा तब आपकी कार की वेलोसिटी क्या होगी, होगी जीरो। तो मतलब कार की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। ऐसे हाफ के एक्स स्क्वायर, तो 1/2 कैंसिल, तो x की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mv2/k। तो ये आ जाएगा कि स्प्रिंग को मैक्सिमम इतना कंप्रेस करेगा, कार की मास रख दो, वेलोसिटी रख दो, और k की वैल्यू दिया ही है, कितना दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दिया है, पुट कर दो, आपको पता चल जाएगा कितनी कितनी कितना उसके अंदर x की वैल्यू, तो 2 meter वो स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करने वाला है, ऑलमोस्ट 2 meter के अराउंड वो करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये सिंपल सा खैर सवाल था यार, क्योंकि आप बताओ कि जैसे जैसे स्प्रिंग को बेटा जैसे जैसे वो कार स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही होगी, कार की जो वेलोसिटी वो घट रही होगी, मतलब कार की काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी, और जो स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा तो कार की सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो रहा है, उसकी एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, ठीक है। आगे चलो, उसके अलावा देखो यहां पे क्या दिया, 6. कंसिडर एग्जाम्पल नंबर 6.8, टेकिंग द कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिस एंड द कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन। अब आप ये बताओ कि अब इस वाले पार्ट में दे दिया कि पिछले वाले क्वेश्चन में सरफेस क्या था, स्मूथ था, अब यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रिक्शन मान लो तो कैसे होगा, तो आप क्या करोगे, वर्क डन लगा दोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम ये होगा। अब जरा बताओ कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, एक तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग भी वर्क डन कर रहा है, और एक वर्क डन बाय स्प्रिंग फ्रिक्शन आएगा इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये आएगा। अब आप ये बताओ कि जो स्प्रिंग होता है ना, जो स्प्रिंग फोर्स है वो कैसा फोर्स है बेटा, वो है आपका कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्कडन किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होगा। तो इसको आप लिख दो माइनस ऑफ डेल्टा यू, अब वर्कडन बाय फ्रिक्शन में निकालना, और ये क्या है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब बताओ माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया, वो हो गया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, वर्कडन बाय फ्रिक्शन, ये आ गया के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये बताओ स्टार्टिंग में कार के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनली जब कार रुक जाएगा स्प्रिंग को कंप्रेस करके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये तो मैं फाइंड आउट ही करना है। ये बताओ फाइनली स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो जा रही है, 1/2 kx2, और खुद बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के अंदर क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग के अंदर कोई एक्सपेंशन ही नहीं था, कुछ वो कंप्रेस ही नहीं हुआ था, तो ये आ रहा है आपका। तो बस इसको आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
इसे आप सॉल्व कर सकते हो कि आपका फाइनल कितना आ रहा है, बस ये हो गया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये आपका आ जाएगा कि फाइनल कितना आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है उसका, बस खत्म। तो ये आपने ऐसे सॉल्व करना है, आपका आपका कहानी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपने इसमें डेटा पुट करके अपने आंसर को निकाल देना, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि हमारा कितना कंप्रेस, हमारा कंप्रेस नहीं, इससे आप निकाल दो कि आपका कितना एक्स की वैल्यू होगी। पहले एक्स की वैल्यू निकालना है, इससे कितना एक्स की वैल्यू आएगी, क्योंकि पिछला वाला तब था जब फ्रिक्शन नहीं था, अब यहाँ पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन की भी तो बात करनी पड़ेगी आपको, फ्रिक्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा, म्यू इन टू एन लग रहा होगा, एन की वैल्यू क्या होगी, एम जी होगा, और वो कितना कंप्रेस कर रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा बेटा, माइनस एफ इन टू एक्स होगा। फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, म्यू एम जी, और कितना कंप्रेस किया होगा, एक्स, ये ऐसे आएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लो, देखो ये आपका हाफ के एक्स स्क्वायर, ये म्यू एम जी एक्स हो गया माइनस का, और ये इधर आ गया। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन, लिख देता हूँ, डेटा आप सॉल्व पुट कर लेना। देखो लिख देता हूँ इक्वेशन, ये बताओ कि स्टार्टिंग में आपके स्प्रिंग के अंदर कोई भी एक्सपेंशन नहीं था, जीरो। फाइनली आपका स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो गया, एक्स। स्प्रिंग कितना, फ्रिक्शन कितना वर्क डन करेगा, माइनस एम जी, और कितना मान लो वहां से वहां तक स्प्रिंग को कितना खींचा, एक्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल कितनी है, 1/2 mv². तो गाइस सबका माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आ गया प्लस म्यू एम जी एक्स, और ये कितना आ गया, 1/2 mv². गाइस ये सारा का सारा वैल्यू आप पुट कर दो, सब कुछ गिवन है। एक्स की ऐसी एक इक्वेशन बनेगी, ये देखो ऐसी इक्वेशन बनेगी, उससे आपको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करोगे तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है ये इक्वेशन, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। अब देखो आगे चलते हैं, आगे आपको दिया है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और गाइस जैसे हीट एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी क्या होता है, तो ये आप रीड कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें बेटा आपसे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, तो मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यार बिल्कुल थ्योरी है ये, ठीक है। इसमें आप बस 5-10 मिनट लगेगा और आपका ये हो जाएगा कि यार हीट है, हीट क्या है, केमिकल क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या। जैसे ये देखो, ये मैं बता देता, देखो इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टेंट पता है ये रिएक्टेंट है और जो बना वो प्रोडक्ट है। सो गाइस इफ टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी इज मोर देन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, हीट इज रिलीज एंड द रिएक्शन इज सेट टू बी एक्सोथर्मिक। तो इसके अंदर एनर्जी क्या बाहर निकलती है, और इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक बोलते हो, क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक। आज जब प्रोडक्ट बेटा, अब उसके बाद देखो इफ द रिवर्स, अगर मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से कम है, तो इसमें हीट एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करता है तो ये क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक कहलाता है, एंडोथर्मिक कहलाता है, ये रहा एंडोथर्मिक। तो बस इस वाले पॉइंट को हाईलाइट कर लेना कि एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है। देखो कोल कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड किलोग्राम इट बर्न, देखो अब देखो कोयले वगैरह को बर्न करते हो तो इतना एनर्जी रिलीज करता है, तो आप चेक कर सकते हो कि जिस भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज कर रहा है एक्सोथर्मिक होगा, जिसमें उस रिएक्शन को कराने के लिए उसको हीट की जरूरत पड़ेगी, एब्जॉर्ब करेगा, वो आपका एंडोथर्मिक होगा। ये छोटा सा पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ज्यादा कुछ नहीं दिया, इधर देखो क्या दिया है, द इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी। आपको पता, देखो टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी फिजिस्ट बिलीव दैट इन एवरी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस The mass of an isolated system is conserved. मतलब 19th century तक बेटा ये माना जाता था कि जो mass होता है वो conserved होता है। Mass मतलब गायब नहीं होता, मतलब disappear नहीं होता, loss नहीं होता mass का। Matter might change its phase. जैसे matter phase change कर सकते हैं, solid से liquid बन गया, liquid से gas बन गया, मतलब mass लेकिन constant रहता था। But guys, matter is neither created nor destroyed. अल्बर्ट आइंस्टीन ने however showed that mass and energy are equivalent and they are related. मतलब उन्होंने बोला, आइंस्टीन ने बताया कि जो मास है और जो एनर्जी है दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। उन्होंने एक इक्वेशन दिया E=mc², उन्होंने बताया कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर किसी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है सी से, ठीक है, वैक्यूम में इतने स्पीड से, देन स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द किलोग्राम मास। तो मतलब उसका जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट जाएगा, और एक केजी उन्होंने मास, एक केजी मास लोगे तो कम से कम इतना एनर्जी वो क्या करेगा, इतना एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेलेंट टू द एनुअल इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑफ लार्ज 3000 मेगावाट पावर जनरेटिंग। मतलब बेटा कोई एक केजी का मास है, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा तो आप देख सकते हो उसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, 9×10^16। वो ऑलमोस्ट किसके बराबर है, मान लो कोई एक पावर प्लांट है गाइस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, पूरे साल भर में बेटा 3000 मेगावाट का पूरे साल भर में जितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ना, उतना एक केजी का जो मास है अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे तो वो इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है।
तो मतलब उसके साथ इतना एनर्जी एसोसिएटेड होगा, ये यहाँ पे कहानी बताई है, हालांकि इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी है। अब आपको पता है कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह सब आपने सुना है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ यहाँ पे आपको टाइम ये टेबल दिया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे बताया कि बिग बैंग जब हुआ था इतनी एनर्जी डेवलप हुई थी, ठीक है। अब जैसे ये आपका पिछले साल 2022 का 2020 के पेपर में आया था डीएनए का, ठीक है, एनर्जी टू ब्रेक द वन बॉन्ड ऑफ डीएनए, कि एक डीएनए के एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, वो एक एग्जांपल है यहाँ पे, वो यहाँ पे दिया, देखो ये एग्जांपल, ठीक है, क्या दिया है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ डीएनए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक डीएनए के बॉन्ड को तोड़ने में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये दिया है यहाँ पे, ठीक है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ डीएनए, आप ही बताओ ये कितना एनर्जी दिया है, 10^-20, ये जूल में दिया हुआ, ये किस में दिया हुआ बच्चों, जूल में दिया है। तो इसको आपको किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बेटा जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको 1.6 × 10^-19 से डिवाइड दे दिया, तो इसने इसको इससे डिवाइड दे दिया, कितनी एनर्जी आएगी, 0.06 आ गया। मतलब एक डीएनए के बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके आगे देखो क्या दिया है, उसके आगे दिया है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल, तो एयर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, तो वही बेटा सिंपल किसमें कन्वर्ट करने बोला है, दिस। अब इसको देखो वही है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट बोला है, 1.6 × 10^-19 से आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो बस ये आपने कर दिया, ये आपने कर दिया, इतना आ गया। उसके अलावा देखो द एवरेज ह्यूमन कंजम्पशन इन अ डे, हम एवरेज गाइस डेली हम कितना कितना कैलोरीज इंटेक करते हैं, वो 10^7 जूल है, ठीक है, उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर रहा है, तो गाइस कैलोरी के लिए किससे डिवाइड कर दो, 4.2 जूल से, 4.2 × 10^3 जूल पर किलोग्राम, तो ये आ गया। तो गाइस सिंपली इस वाले एग्जांपल में ना आपको कन्वर्जन बताया गया कि आप यार जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, और आपको जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, पूरे के पूरे इस एग्जांपल नंबर 10 में यही दिया और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आप देखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो आपको पता ही है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, यही आपको स्टेटमेंट है। पूरे इस पैराग्राफ को रीड कर लो, कुछ नहीं मिलेगा इस लाइन के अलावा, कोई कुछ भी काम का नहीं मिलेगा इस लाइन के अलावा। देखो इधर क्या दिया, यहाँ देखो, इफ सम ऑफ, देखो वी हैव सीन दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क इट आर कंजर्वेटिव। आपको पता है कि अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं तभी आपका मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहता है, कॉन्स्टेंट, तभी रहता है जब कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हो। इस सम ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर नॉन कंजर्वेटिव, पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी मे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म सच एज हीट, लाइट एंड साउंड। तो गाइस जब आपका कंजर्वेटिव भी है नॉन कंजर्वेटिव भी है, तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है उसका कुछ पार्ट हीट में, साउंड में या फिर लाइट में कन्वर्ट हो गया होता है, ये बोला है, ठीक है। हाउ एवर द टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम डजंट चेंज एज लॉन्ग वन अकाउंट, बट अगर पूरे के पूरे सिस्टम की बात करोगे तो टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होता, भले ही कंजर्वेटिव लग रहा हो नॉन कंजर्वेटिव लग रहा हो, ठीक है। बट अ टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर आपके कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव भी लग रहे हैं, बट टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कब कॉन्स्टेंट रहेगा, जब सिर्फ कंजर्वेटिव लगेगा। लेकिन क्योंकि अगर नॉन कंजर्वेटिव लगने लगता है ना बेटा, जैसे फ्रिक्शन हो गया लगने लगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के कुछ पोर्शन को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट में, लाइट में, साउंड में, किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए वहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रह जाता, ठीक है। तो यहां पर यही बताया, सिंस द यूनिवर्स एज ए होल मे बी व्यूड एंड इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। पूरे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या है, कॉन्स्टेंट है। इफ वन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स लूजेज एनर्जी, अनदर पार्ट मस्ट गेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। पूरे यूनिवर्स में अगर कोई एक पार्ट एनर्जी को लूज करता है, तो कोई दूसरा पार्ट कहीं ना कहीं वो गेन कर रहा होता है। तो गाइस पूरे इस पेज में इतना ही दिया है, तो इससे ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। आगे आ जाओ पावर है, पावर के बारे में आपको पता ही है कि पावर इज डिफाइंड एज व्हाट, रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, कितने रेट से वर्क डन हो रहा है या फिर कितने रेट से एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज व्हाट पावर, ठीक है गाइस, ये क्लियर है। बेटा यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स मोहम्मद, व्हाई डोंट यू गो टू आस्क योर मदर एंड फादर, सर मेरी मम्मी पापा मेरी शादी करवा दो, इतने बेचैन हो रहे हो, तो यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स बेटा, कम ऑन गाइज, ये क्लियर है, ठीक है, ये बातें क्लियर है बच्चों की। इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखना है,
ठीक है, इन जो मैंने हाईलाइट किया इनको हाईलाइट कर लेना क्योंकि ये काम की चीज है। ठीक है, उसके अलावा यार ये पावर वाली कहानी वही है यार जो आपके नोट्स में एवरेज पावर वर्क डन बाय टाइम होता है या फिर dW बाई dt होता है। पावर का एक और फॉर्मूला ना, एफ पावर इज ऑल्सो इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, यस और नो? ये सब चीजें देखा है आपने। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ए 100 वॉट बल्ब विच इज ऑन फॉर 10 आवर, मतलब एक 100 वॉट का बल्ब है जिसको आप 10 घंटे तक जला के रखते हो, ठीक है, तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? देखो 100 वॉट का है, 10 घंटे के लिए जलाया आपने, आपको पता ना कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी क्या है? पावर इंटू टाइम। तो इसने पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया 1000 वॉट आर आ गया। अब गाइस आपको पता है 1 किलो, इसको आप चाहो तो 1 किलो वॉट आर भी लिख सकते हो। 1 किलो वॉट आर का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट हो जाता है, उसको 1 यूनिट बोलते हैं। और 1 किलो वॉट आर में कितनी एनर्जी होती है बेटा? 3.6 × 10^6 जूल। एक टेबल बताया था याद रखने, तो यहाँ पे ये लिखा है। तो इससे गाइस इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम कैलकुलेट करते हैं, आप निकाल लेते हो कि टोटल कितना किलोवाट आर एनर्जी कंज्यूम किया है। जितना किलोवाट आवर होगा उतने यूनिट होंगे, और क्वेश्चन में आपको हम दिया होगा कि 4 रुपए यूनिट है, 5 रुपए यूनिट है। मान लो आपकी 80 यूनिट हो गई और 8 रुपए यूनिट बिल है, तो 8 × 80 करोगे तो कितना आएगा? 560 रुपए का आपका बिल आएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल जितने भी डिवाइसेस हैं वो पावर उनकी कितनी है और कितने घंटे चला रहे हो। तो पावर इज एनर्जी कैसे आएगा? पावर को उनके टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो जब पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर उसको किलोवाट आवर में लेके आया करो, किलोवाट आर में कन्वर्ट करो। जितने किलोवाट आर होंगे उतने यूनिट होंगे, और 1 यूनिट का प्राइस पता होगा आपको, उसको मल्टीप्लाई करके टोटल आपका बिल आ जाएगा। थोड़ी सी कहानी बताइए यहाँ। इसके बाद देखो, एन एलिवेटर कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg, इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड। दिस द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन, डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर। तो गाइज ये बताओ कि कोई एक लिफ्ट है, ठीक है, जो मैक्सिमम कितना वेट वो ले जा सकता है? 1800 kg, ठीक है, 1800 kg। लेकिन जब वो ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन भी लग रहा है, कितना फ्रिक्शन लग रहा है? 4000 न्यूटन। ये बताओ बेटा 1800 kg का मतलब वो कितना वेट ऊपर ले जा सकता है? m × g, m कितना है आपका? 1800 हो गया, और इंटू कितना हो गया ये आपका g के वैल्यू कितना ले लेना है? 10, इतना वेट। तो आप जो मोटर, बेटा जो मोटर कनेक्टेड होगी वो कितने फोर्स को उसे झेलना पड़ेगा? एक तो इसके वेट को, पूरा का पूरा लिफ्ट का जो वेट हो गया, प्लस फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, फ्रिक्शन कितना जो भी फ्रिक्शन लग रहा हो, इतना फोर्स उसके मोटर को इस लिफ्ट पे लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तभी तो ऊपर जाएगा। तो कितना होगा ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1800 × 10, और ये कितना है? 4000। तो ये कितना आ गया? कम से कम उसे 22000, बच्चों 22000 न्यूटन का फोर्स। देखो डाउनवर्ड फोर्स ऑन द एलिवेटर, इतना फोर्स एलिवेटर पे नीचे की तरफ लग रहा है। सो द मोटर मस्ट सप्लाई एनएफ पावर टू बैलेंस। तो मोटर को कितना पावर सप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी, कितना फोर्स एटलीस्ट उसे लगाना पड़ेगा? 22000, ठीक है, इनटू कितनी वेलोसिटी? 2, तो मतलब ये आ गया 4400 वॉट, मतलब ऑलमोस्ट 59 हॉर्स पावर। तो इतने हॉर्स पावर की मोटर होनी चाहिए तब जाके वो लिफ्ट ऊपर राइज करेगा। आपको पता है बच्चों कि जो हमारे घरों में जो पानी वाला मोटर लगा रहता है वो 2 हॉर्स पावर का रहता है, 2 हॉर्स पावर, 2.5 हॉर्स पावर। तो आप देख रहे हो कि एक लिफ्ट के अंदर ऑलमोस्ट 60 हॉर्स पावर चाहिए, 60 हॉर्स पावर। तो आप देख सकते हो कि जो पानी वाला मोटर है कम से कम 15-20 लगाओगे तब जाके इतना पावर वो प्रोड्यूस करेगा जितना एक एलिवेटर के अंदर जो मोटर लगा होता है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हमने पूरा पहले इस पे निकाला कि भाई एलिवेटर पे टोटल नीचे फोर्स कितना लग रहा है, एक तो उसका वेट, एक फ्रिक्शन। तो कम से कम जो मोटर है हमारा उतना फोर्स उसको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, तभी तो वो चीज ऊपर उठेगी, है कि नहीं? और कितने वेलोसिटी से जा रहा है? 2 से जा रहा है। तो फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कम से कम एलिवेटर को इतना पावर मोटर को इतना पावर एलिवेटर को सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल है। अब आया है बेटा आपका नया टॉपिक यहाँ पे, कॉलिजन। कॉलिजन तो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है बेटा, अब हम सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वहां पे आपका कॉलिजन और सेंटर ऑफ मास कंप्लीट होगा। ये आपका जो चैप्टर है परसों 30 तारीख से बेटा मैं आपका सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर होगा नीट स्टार वाले चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको फॉलो कर लेना। 3 बजे ये आपका लेक्चर होगा, आज ये बैच भी लॉन्च हो जाएगा, विल डिस्कस विद यू गाइस, ठीक है। तो ये सारी कहानी है बेटा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास अब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉलिजन है बेटा, इसके पास 4-5 पेज बचे हुए हैं कॉलिजन का एनसीईआरटी में, बट मैंने आपको कॉलिजन पढ़ाया नहीं इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जब कॉलिजन पढ़ा दूंगा तो ये 4-5 पेज बचे हैं उसको आप रीड कर लेना। गाइज मैं फिर से बता रहा हूँ, जो चीजें मैंने आपको इसमें छोड़ने बोली उसको छोड़ देना,
ठीक है, जो नोट्स में डेरिवेशन है नोट से ही करना है, बुक से नहीं करना है, बेवजह का टाइम मत खराब करना अपना, ठीक है, क्लियर है? क्योंकि बेवजह परेशान हो गए, समझ में नहीं आएगा, एक ही चीज दो जगह से करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है? तो बेटा कल एक कल कल मैं दोपहर में 2 बजे आपको दोबारा मिलूंगा। कल दोपहर में 2 बजे थोड़ा मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि आप लोग अभी तक जितना भी फिजिक्स आपने पढ़ा उसमें क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हो, अगर आप कोई डीमोटिवेटेड, कोई थोड़ा मोटिवेशनल सेशन रहेगा कल आपके 2 बजे का, क्योंकि उसके बाद फिर से सेंटर मास स्टार्ट होगा, तो फिर अगले 15 दिन तक सिर्फ लेक्चर 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 चलेगा। तो कल लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, नया चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक बार आप और हम मिलके बैठ के थोड़ी अपनी दिक्कतें डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी बातें कर लेते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम, क्या तैयारी में आप क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हो, उसके बाद फिर दोबारा से सेंटर मास से अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो कल दोपहर में 2 बजे मिलेंगे। उसके अलावा बच्चों आई होप आप लोगों को कोड पता होगा, गाइस कोड आपको पता होगा वे, तो आप एक कोड यूज कर सकते हो। अभी 27, 28, 29, 30 तक एक ऑफर चल रहा है बच्चों, जिसमें 10+10% का ऑफ चल रहा है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा प्लान कर रहा है सब्सक्रिप्शन लेने का, तो अभी बेस्ट ऑफर चल रहा है, 10+10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान 2 साल का आपका 56,000 का है, 12 मंथ्स का आपका 39,000 के अराउंड है, 6 मंथ्स का 28,000 के अराउंड है। लेकिन अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10+10% का ऑफ मिल जाएगा। एंड गाइस आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो मंडे टू सैटरडे 10 AM to 7 PM फॉर नीट 2022 एंड 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। उसके अलावा बच्चों आइकोनिक सब्सक्रिप्शन प्लान आपको 2 साल का 1 लाख के अराउंड, 18 मंथ्स का 80,000 के अराउंड, 12 मंथ्स का 65,000 के अराउंड पड़ेगा। और अगर आप रेफरल कोड वेद यूज करते हो तो उसमें 10+10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, एक मेंटर होगा जो आपके डाउट सॉल्व करेगा, आपकी दिक्कतें आपको आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। अगर आप इसमें अगर इसमें आप 1 साल 18 महीने और 2 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जो मटेरियल है वो इसमें हम आपको घर पे डिलीवर करते हैं आइकोनिक सब्सक्रिप्शन में। इसके अलावा बच्चों डिस्क्रिप्शन में ब्रांडेड नोट्स हैं, उनको एक्सप्लोर करो, देखो कि वो नोट्स कैसे हैं क्या है। और जो भी आइकोनिक लर्नर्स होंगे जिनके पास 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स का आइकोनिक सब्सक्रिप्शन को मटेरियल घर पे डिलीवर करेंगे। अब प्लस वाले लर्नर को उसका एक्सेस हम ऐप में देंगे, ठीक है जी? चलिए उसके अलावा बच्चों कॉम्बो ऑफर भी देख सकते हो कि ये आपका नीट प्लस CBSE का कॉम्बो है, ये नीट प्लस अदर बोर्ड्स का कॉम्बो है, जैसे यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड हो गया, उसके अलावा ये नीट प्लस IIT JEE का कॉम्बो है। तो अगर आप ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो उसमें भी आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। कोड आपको पता ही, अपने मास्टर का आप कोड वेद यूज कर सकते हो, ठीक है जी? उसके अलावा बच्चों इवनिंग में इसके अलावा कल हम दोपहर में 2 बजे मिलेंगे, ठीक है गाइस? कल दोपहर में 2 बजे मिलने वाले हैं आप लोगों के साथ, ठीक है? बात करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या है क्या नहीं है। सो गाइस अभी एंड करते हैं सेशन। सो थैंक यू सो मच एवरी वन, टेक केयर, हैव फन, गॉड ब्लेस यू। जाते जाते सेशन को लाइक कर सकते हो, ठीक है? तो बेटा जितना मैंने आपको रीड करने बोला है उतना ही रीड करना, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।